गाइस व्हाट्सअप बैक विद वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम लोग ऐसे जगह पे हैं जो अपने लोकोमोटिव यानी रेलवे लोकोमोटिव के लिए फेमस है, रेल के कारखानों के लिए फेमस है। आज हम लोग आए हैं चितरंजन, और चितरंजन आज हम लोग आपको दिखाएंगे कहाँ कैसा क्या दुर्गा पूजा होता है, क्या थीम है और क्या खूबसूरती से बनाया है। जो सबसे पहला पंडाल है जो हम आपको दिखाने वाले है वो है यहाँ का देशबंधु पार्क। तो देशबंधु पार्क का इस बार थीम है कांतारा, और चलिए आपको दिखाते कैसा क्या पंडाल बना है। अपने चितरंजन के दूसरे पंडाल में जो कि है औरोबिंदा नगर, तो चलिए आपको पंडाल दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है औरोबिंदा नगर का, ये नया पंडाल है जो ऐड हमने किया है, ये ओम बना हुआ। इधर का लाइट बता दिया गया है पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पंडाल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। अभी हम और राहुल भी आ चुके हैं एरिया 6 में चितरंजन के, और आपको दिखाते हैं कि एरिया 6 में जो पंडाल कैसा बना है। क्यों राहुल भैया, कैसा लगता है, क्या लगा है? भाई देख के तो अच्छा लग रहा है, जब आप लोगों को भी दिखाते हैं। पेपर काट काट कर यहाँ पे देखो गाइस बनाया गया, हाथी बनाया गया है, पेपर को काट काट के मतलब काफी हार्ड वर्किंग किया गया है यहाँ पूरा पंडाल पेपर का। सब कुछ पेपर का यहाँ बना हुआ है, मानना पड़ेगा भाई, जबरदस्त बनाया है चितरंजन भाई, गजब मेहनत और गजब काम, मेहनत का काम है ये, ऐसा गियर नहीं है भाई, लगी नहीं रहा। बताओ वो जिसमें जाल मुड़ी खाता ना कौन वो है, ये एरिया 6 है चितरंजन का, ठीक है। देखो भाई बाइक से आए हैं, पूरा बाल चोखा हो गया है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग आए हैं चितरंजन का एरिया 4 में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चितरंजन के एरिया 4 में, और एरिया 4 का पंडाल हर बार अच्छा बनता है,
और इस साल भी कुछ अच्छा ही बनाया आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हम लोग एरिया 4 में और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी जितने पुस्तक वो सारा ऊपर में देख रहे हो। सारा ये थीम मतलब डेडिकेटेड है पूरा रविंद्रनाथ टैगोर से। और वहाँ पे जो वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे वो देखो, जूम मारो भाई, वो लगा हुआ है तो भाई जबरदस्त है। सबसे सुंदर यहाँ का जो है वो मूर्ति है। मूर्ति में मतलब देखो भाई, देखो कितना प्यारा मूर्ति है, ऐसी दिख रही है। अभी तक क्या है आपका रिव्यू चित्रंजन को लेकर? भाई अगर आप आसनसोल से देख रहे हो चित्रंजन आओ। हाँ, चित्रंजन, दुर्गापुर और आसनसोल, ये तीन जगह घूम लो। आसनसोल तो घूम ही लोगे तुम लोग, ठीक है, आसनसोल के हो तो। पर अगर खाली टाइम रहता है भाई चित्रंजन आओ, हम बोले चित्रंजन आओ, पंडाल देखो भाई, दिमाग हिल जाएगा क्योंकि सब यूनिक है, ठीक है। और हमको लगता है कि हम लोग फर्स्ट है जो कवर कर रहे हैं चित्रंजन को, तो उसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, मेहनत लगता है, ठीक है। मायर কাছে এই কামনা, এই বলে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করলাম। अभी हम लोग पश्चिम अमलादही में थे, ये देख सकते हो। पश्चिम अमलादही एक सबक भाई किसी को भी सिखा सकता है कि भले आपका कॉलोनी का पंडाल हो या कुछ हो, आप लोग बढ़िया से कर सकते हो अगर आपको चाहत हो तो। क्यों राहुल भैया? हाँ भाई, कॉलोनी का पूजा है पर काफी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये देखिए, मानना पड़ेगा बहुत दूर से ये पंडाल दिख रहा है। तो हम लोग अभी कहाँ चलने वाले राहुल भैया? नेक्स्ट चलने वाले, नेक्स्ट मुझे लगता है एरिया 8 है। हाँ एरिया 8 है भाई, तो चलो एरिया 8 में चलते हैं। इस पंडाल के थीम की तो मुझे जहाँ तक लगता है ये फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया है ना। सारा कैलेंडर दिखाया गया कि जनवरी में कौन सा, फरवरी में क्या हो रहा है, मार्च में क्या हो रहा है, और बाहर में भी कैलेंडर का थीम लगा हुआ है। मतलब हर जगह कैलेंडर दिखा हम लोगों को पूरे पंडाल में। अब ये एरिया 8 था, अब यहाँ से चलते हम लोग एरिया 3 में। अभी हम लोग चित्रंजन के एरिया 3 में
और चित्रंजन का एरिया 3 भाई सिंपल बनाया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखो पहाड़ी है, झील पहाड़ी का कुछ इस तरीके से आपका पंडाल बना है। तो मैं आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लोकेशन, आप चेकआउट कर लेना। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, आपको ऐसे पंडाल हमने दिखा दिया, थैंक यू अंकल। और ये है हमारा आर साइड का पंडाल, ठीक है। तो चलो हम लोग आपको आर साइड दिखाते हैं। तो राहुल भी हम लोग कहाँ आए हैं? आर साइड में अभी हम लोग आए हैं और ये पुराना हवेली टाइप या पुराना घर टाइप लग रहा है, क्वार्टर भी सकते हैं, फोर्ट 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 टाइप भी लग रहा है। आज के एसपी नॉर्थ में और पंडाल जस्ट सामने है, बाइक बहुत पीछे लगाना पड़ा भाई, तो पैदल चलना पड़ रहा। तो देखते हैं भाई पंडाल इनका कैसा पंडाल है, जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो में, बने रहे। यहाँ का अभी तक का सबसे बेस्ट डेकोरेशन मजा आ गया देख के, आप यहाँ पे भी सबसे ज्यादा क्राउड लगा मुझे, सबसे ज्यादा क्राउड लगा पंडाल, सबसे ज्यादा क्राउड वाला, साथ ही साथ सबसे बेस्ट डेकोरेशन अभी तक चित्रंजन के सिमजुरी में, ठीक है। सिमजुरी मुझे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बनाता है हर साल, अब आप बताना कौन सा। अब मुझे नहीं लगता इस साल का थीम बताने का जरूरत है, और मुझे नहीं लगता, आप बताओ थीम, जाके कमेंट बॉक्स।
पंडाल था भाई, ये पंडाल था। मैं हम आपको बोले थे ना सिंजुरी मजेदार बनाना, गोल्डन टेम्पल है ये, ठीक है, अमृतसर का। यहाँ पे ही एक बार ना पिछले साल श्रीहरि कोटा बना था, गजब बना था, नहीं बेस्ट। यहाँ पे देखो सूचना सिंजुरी वासियों के लिए, अनाउंसमेंट हो चुका है कि सिंजुरी को सेकंड प्राइज मिल चुका है चितरंजन का, ठीक है। फर्स्ट प्राइज किसको मिला हम लोग को नहीं पता, लेकिन सेकंड प्राइज मिल चुका है, सामने अनाउंसमेंट हुआ। लास्ट पंडाल चलते फतेहपुर, फिर आप लोग बताइएगा कि कौन सा पंडाल को फर्स्ट प्राइज मिला होगा। आज हम लोग हैं चितरंजन के हमारे आखिरी पंडाल में जो कि है फतेहपुर। तो फतेहपुर के पंडाल में हम लोग, और ये देखो फतेहपुर का पंडाल। फतेहपुर ऐसे अंत होता है हमारा इस साल का चितरंजन का। हर दुर्गा पूजा पंडाल को हम लोग कवर कर चुके हैं, और कैसा लगा राहुल भैया ओवरऑल आपको? ओवरऑल आपको भाई यही बोलेंगे चितरंजन आना चाहिए एक बार। चितरंजन में खास बात ये है ना, पंडाल है बेस्ट है भाई। हाँ, मतलब पांच छह पंडाल ऐसा है कि जो आपको देखने से आपका दिल खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन चितरंजन में ऐसा है ना कि इनका क्रिएटिविटी बहुत है। हाँ, मतलब यहाँ पे है ना कि सब पास पास में ही पंडाल है, अगर आप आते हो तो आराम से तीन चार घंटा में पेपर का पंडाल बन जा रहा है भाई, गजब। वो तो नेक्स्ट लेवल था। लेकिन आप लोग बताना कि फर्स्ट प्राइज किसको मिला होगा आपके हिसाब से। तो मिलते हैं एक नए दिन नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई एक लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय गाइस।